हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। फोर डिजिट नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। 1, 2, 3, 5 का यूज करके आप कुछ फोर डिजिट नंबर्स बना सकते हो, और कंडीशन ये है कि उसमें डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपके पास जो नंबर बनने चाहिए कुछ इस तरीके से बनने चाहिए, जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर नहीं बनना चाहिए। कैसा? जैसे यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3। तो देखो 5 दो बार आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी डिजिट्स एक ही बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। अब उनमें से कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएं? अब देखिए, 4 से डिविजिबिलिटी की एक कंडीशन होती है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि लास्ट के जो दो प्लेसेस होते हैं उसमें जो दो नंबर्स आप भरोगे, वो पे दो सॉरी दो नंबर बोल रहा हूँ, लास्ट के जो दो प्लेसेस हैं वहां पर जो नंबर्स भरोगे वो नंबर्स 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरा का पूरा 4 डिजिट नंबर ही 4 से डिविजिबल माना जाएगा। अगर मैं ये 1 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो मेरा 12 बन गया। 12 4 से डिविजिबल है। अब आगे मैं किस तरीके से भर सकता हूँ नंबर्स को? ऑब्वियसली अगर लास्ट में 1 2 है, तो अब मैं सिर्फ 3 और 5 का यूज करके 3 5 1 2 या फिर 5 3 1 2। तो आप देखिए, लास्ट में 1 2 का यूज करके मैंने दो जो है 4 डिजिट नंबर्स बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, लास्ट में अब मैं यूज करता हूँ 3 2 32, क्योंकि 32 4 से डिविजिबल है। तो आगे के दो जगह पर या तो मैं पुट कर लूँ 1 5 या फिर पुट कर लूँ 5 1। तो अगर 1 5 पुट करो तो ये बन जाएगा 1 5 3 2, 5 1 पुट करूंगा तो 5 1 3 2। तो आपके पास कितने 4 डिजिट नंबर मिल गए? दो, जो कि 4 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि अगर मैं लास्ट के दो प्लेसेस पे 5 और 2 भर दूं, 52, 52 4 से डिविजिबल है, तो आगे की जगह पर या तो मैं भरूंगा 1 3 या फिर भरूंगा 3 1। तो इस तरीके से या तो मेरे पास नंबर आएगा 1 3 5 2 या फिर आएगा 3 1 5 2। तो यहाँ से मुझे कितने 4 डिजिट नंबर मिल गए? 2। इन सबको जोड़ दो, कितना आंसर आ गया आपके पास? 6। तो एस 4 से डिविजिबल होने वाले हमारे पास सिर्फ 6 ही नंबर्स अवेलेबल हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच करता है।